फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 9 से 10 साल की बच्ची के लिए टॉप। अगर आप चाहें तो घेरे की लेंथ पे बड़ी करके इसको आप फ्रॉक भी बना सकते हैं, तरीका कार सेम होगा। चलें तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है 2 पीस, इसकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई इसकी 35.5 इंच है। ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं। ये नीचे का घेरा बनाएंगे, इसको ऐसे सेंटर से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमने नॉच बना लेनी है। इसको अब हम साइड पे कर लेंगे। अब ऊपर की बॉडी हमने कट करनी है, वो कर लेते हैं। ये मैंने बैक साइड की बॉडी बनानी है, जो मैंने घेरा बनाया है उससे बिल्कुल मैचिंग कपड़ा लिया है। और इसके ऊपर अंगरखा बनाना है, उसके लिए मैंने सादा कपड़ा लिया है। इस कपड़े की चौड़ाई 16.5 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच है। इसको ऐसे सेंटर से हमने फोल्ड कर लेना है और ऐसे यहाँ पे नॉच बना लेनी है, ऊपर भी और नीचे भी। फोल्ड करके इसको हम रख लेंगे साइड पे। ये मैंने 2 पीस लिए हैं। 1 पीस की चौड़ाई 13 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच है। इसको वापस से मैं ऊपर रख दूंगी इसके। ये साइड ओपन है। बैक साइड से फ्रंट साइड जो है हमने बढ़ा के रखी है, दोनों पीस 4 इंच 2 पॉइंट मैंने दोनों पीसों को बढ़ा के रखा है। अब ये जो बड़ा हुआ पीस है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, अंगरखा के लिए ऐसे बढ़ा के रखेंगे। तीरा 6 इंच पे निशान लगाया, आर्म होल के लिए मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच बढ़ा के, और इस निशान को यहाँ से मिला दिया। इसके बाद मैंने इसके चेस्ट के लिए 7 इंच 2 पॉइंट पे मार्क लगाया और कमर के लिए 7 इंच पे निशान लगाया। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया, फ्रंट नेक के लिए 5 इंच गहराई पे निशान लगाया और बैक नेक के लिए 2 इंच गहराई पे निशान लगाया। फ्रंट नेक को मैं वी शेप दे रही हूँ। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको आधा इंच कम किया है और नॉच बना लिए सब पार्ट्स की। अब ये जो हमने वी बनाया है यहाँ पर हमने एंची टेप को रखना है और जहां पर ये आसानी के साथ ये शेप सेट हो जाए वहां पे हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। 3 इंच बन रहा है। यहां से थोड़ा सा गले को भी मैं 5 शेप दे रही हूँ इस तरीके से। पहले ये वी में कटा हुआ था, थोड़ा सा मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ ताकि ये एक अच्छी शेप में आ जाए। ये देखिए आप कितना सा मैंने इसको ट्रिम किया है, थोड़ा सा बस, ताकि ये इस तरीके से इस शेप में आ जाए। गला है इसके लिए मैं अलग से पट्टी नहीं काटूंगी, मैं इसी को ऐसे फोल्ड करूंगी थोड़ा थोड़ा सा, इस तरीके से मैं इसको दबा लूंगी और इसके ऊपर मैं लेस लगा दूंगी। अगर आप यहाँ पे कोई लेस नहीं लगा रहे तो आप अलग से एक पट्टी लेंगे, तिरछी पट्टी लेनी है। तिरछी पट्टी लेके आप जो है यहाँ पे इसको अटैच करके अंदर की तरफ पलट देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कोई पट्टी नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर मैं लेसों का इस्तेमाल करूंगी। अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। मेरे पास कपड़ा कम था तो ये देखिए मैंने 2 जोड़ लगाए हैं। लंबाई इसकी 17 इंच है और चौड़ाई इसकी 15.5 इंच है। इसको ऐसे सेंटर से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 2 पीस है मेरे पास ऐसे। बाजू की कटिंग भी हो चुकी है, अब इसे हम साइड पे कर देंगे और स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने इस्त्री के साथ इसको फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने से पहले मैंने इसको देखिए छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। मैंने ये वाली लेस ली है और इसके अलावा मैंने एक ये वाली लेस ली है और इसके अलावा लूप्स जो है मैं इस डोरी से बनाऊंगी। 2 इंच 2 पॉइंट लंबी जो है मैं डोरी कट करूंगी लूप्स बनाने के लिए। ये जो कपड़ा है इसमें थोड़ी सी लचक है, ये घूम सकता है,
तो आपने भी जो लेस इस्तेमाल करनी है इस तरह का हो कि वो थोड़ा सा घूम सके, सीधा बिल्कुल जो होगा वो नहीं लगेगा सही। अभी जो कपड़ा हमने फोल्ड करके रखा है ऐसे, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम ये गोटे वाली लेस रखेंगे। लेसेस मैंने इसके ऊपर अटैच कर दी हैं और इसको मैंने इस्त्री भी कर लिया। ये देखें इसकी बैक साइड है। अब इसको हमने सेट करना है। नॉच मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे। इसको सिलाई में यहाँ से लगाना शुरू करूंगी, इतना हिस्सा मैं छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं टिच बटन अटैच करूंगी। यहाँ से इतना हिस्सा मैं छोड़ रही हूँ और आगे से हम इसको सिलाई लगाएंगे। और ये मैं इसकी बैक साइड अब इसके साथ अटैच करूंगी। शोल्डर से मैंने अटैच कर दिया है। ये मैंने एक तिरछी पट्टी ली है, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने इसको आयरन भी कर लिया। इसकी चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। यहाँ पर अब इसको हम अटैच कर लेंगे। इसको हम अंदर की तरफ इस्त्री कर लेंगे और बाद में इसको हम यहाँ पे तरपाई कर लेंगे। बॉडी मैंने तैयार कर ली है, इसे हम साइड पे कर लेंगे और यहाँ पर जो नीचे का घेरा है इसमें हम चुनट्स डाल लेंगे। मशीन का टांका बड़ा करके यहाँ पर हम 2 सिलाइयां लगाएंगे और उसको फिर खींच के हम चुनट्स डालेंगे। टांका बड़ा करके 1 सिलाई लगा लिए। अब 1 पाउंड का गैप देके दूसरी सिलाई लगाऊंगी ताकि चुनट्स इसमें बहुत अच्छी से आए। दो दो सिलाइयां मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। ऊपर वाला एक एक सिरा मैंने निकाल लिया। इतनी चुनट्स डाल लेंगे कि वो बॉडी के बराबर आ जाए। यहाँ पे मैंने चुनट्स डाल दी हैं। अब इसको इसके साथ हम अटैच कर लेंगे। देखिए बॉडी के साथ मैंने घेरे को जोड़ दिया है, ये फ्रंट साइड पे भी, और इसके अलावा मैंने ये बाजू भी अटैच कर दिए हैं। आगे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया था। अब बाजू में मुझे इलास्टिक डालना है तो ये मैंने बारीक वाला इलास्टिक लिया है। इस तरीके से इलास्टिक नापना, थोड़ा सा मैं लूज रख रही हूँ।
फ्रॉक की सिलाई बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ पर मैंने टिच बटन लगाया है ताकि गला सर से गुजारने में आसानी हो। बैक नेक इसका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर मैंने कोई कट नहीं दिया। इसके घेरे के ऊपर मैंने थोड़े बड़े पॉम्पॉम वाली लेस इस्तेमाल की है। 11 इंच की इसकी बॉडी है और 14 इंच की इसकी घेरा है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।